पूरी ब्लैक आईज है नीचे भाई, ये ना थोड़ी प्रैक्टिस हो गई यार स्प्रिंटर स्विटी के लिए। भाई हम आ गए जिस्पा, जिस्पा आ गया ना तुम, जिस्पा आ चुके। भाई फाइनली व्हाइट रोड आ गया, व्हाइट रोड, और हम पहुंच गए डारचा ब्रिज पर। अभी तो तू भी रघु चढ़ा तो टाइम कर लेंगे 4x4 पे ना। बहुत खतरनाक भाई, ब्लैक आईज हो रखी है, ब्लैक आईज। और ये आ गया डारचा ब्रिज अपना। अब आगे चेक पोस्ट है, पता नहीं आगे उससे जाने देंगे नहीं देंगे। अरे भाई साहब, भाई ये अपना डारचा ब्रिज भाई, पूरा बर्फ, अभी तक ये साफ भी नहीं करा है। और ये अपनी थार एक नंबर लग रही है भाई, एक नंबर। चलो भाई, तो आगे डारचा चेक पोस्ट है, वहाँ पे रोक लेंगे हमको, और शायद आगे ना जाने दें, देखते हैं भाई। कोई है ही नहीं इधर, अभी यहाँ रोक लेंगे। भाई कुछ खुलाया गया, तो भाई डारचा पहुंच चुके हैं। ये डारचा है, यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा? यहाँ पे तो आपको मुश्किल, यहाँ पे आके जाओ ना। आगे क्या है? इसी रोड में वहाँ पे पद्मा ढाबा होगा। पद्मा ढाबा यहीं आगे, थोड़ा सा आगे, आगे खुला है अभी वो? वो खुला हुआ। ठीक है ठीक है। बैक कर सकते, आगे बैक करने की जगह है? आगे की है लेकिन आगे जाना चाहिए, यहाँ से बैक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे है तो। कितना आगे है बैक करने की जगह? यहाँ से 5 मिनट आगे जाना चाहिए। 5 मिनट तो बर्फ भी होगा, फूट डाबा होगा आगे ना। अच्छा तो बैक ही ले लो इरफान भाई, बैक ले लो। उतरोगे इरफान भाई? नहीं। तो भाई यहाँ डारचा में इस भाई ने बताया है कि यहाँ पे पद्मा ढाबा है एक पास में ही, वो खुला रहता है, उधर चल के खाते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या करना है। अभी हमारा प्लान कुछ है नहीं, कुछ भी प्लान नहीं है मतलब। तो भाई ये रास्ता आ गया है, जो रास्ता शिंखुला के लिए जाता है यार, जब मैं जून में गया था यहीं से गया था, इसी रास्ते से। और ये पीछे रास्ता जा रहा है इधर, ये जा रहा है 12 लाचला, मतलब लेह मनाली हाईवे यही वाला है, और ये शिंखुला वाला है। ये जंस्कार जा रहा है, ये जंस्कार वाला है भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा, बहुत टफ है। अभी तो बंद है सिंखुला पास, ये से बंद होगा। तो हम लेते हैं इधर की तरफ, जिसने वो ढाबा बताया था भाई, सिंखुला पास के इधर बंद होगा। सिंखुला पास से बंद होगा ये रास्ता, सिंखुला पास से 24 किलोमीटर है। हाँ भाई क्या बोलते, नीचे ले ले फिर वहाँ पास, नीचे ले लेते हैं भाई, नीचे कोई देख, जिस पा में देख लेते हैं ना चल के। तो भाई हमने ये जो शिंखुला वाला कटा है, ये जंस्कार वाला कटा है, यहाँ से वापस ले लिए गाड़ी अपनी, क्योंकि आगे तो सब बंद ही है, पता नहीं मतलब कहाँ तक चलना है, क्योंकि हमें लेट हो गया है काफ़ी। तो अभी हमें होटल वगैरह ढूंढना है और वहाँ पे स्टे करना है, तो उसके लिए टाइम बचा नहीं है। तो 2 घंटे हमारे पास, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले पहले हमको रूम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता काफ़ी स्लिपरी है। तो इसलिए भाई साहब बहुत ही गजब नज़ारा है यार यहाँ का, पूरा का पूरा ब्रिज, और फोटोज वोटोज ले लिए अपने, अब चलते हैं।
जसपा की तरफ, क्योंकि भाई बहुत तेज भूख लग रही है, यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, सब बंद है। तो जसपा में देखते हैं अगर कुछ खुला मिला। तो भाई अभी गाड़ी फोर हाई पर लगा दी है, 4x4 हाई, क्योंकि आगे काफ़ी स्लिपरी रास्ता है और स्टीप भी है, यानी कि चढ़ाई है, तो उस पर 4 हाई लगाना ज़रूरी है, नहीं तो स्लिप मारेगी गाड़ी। भाई ये पूरी ब्लैक आइज है, नीचे आप जो दिखती है ना पूरी ब्लैक आइज है, इस पर यहाँ के लिए ही ये 4x4 लगाया गया है। अभी आगे थोड़ा स्टीप है, वो देखते हैं वहाँ पर कैसे चढ़ती है गाड़ी। काफी सही चल रही है, मतलब 4x4 लगा के ना। हाँ यार, ये देख ना, अब थोड़ा स्टीप हो गया है, ये पूरी ब्लैक आइज है नीचे भाई, ये ना। पूरा रोड वाइट है आगे देखो। सर ये थोड़ी प्रैक्टिस हो गई यार स्प्रिंटर स्पीड के लिए। हाँ। जिस पर जा रहे हैं फिर से भूख लग रही है, अभी पीछे डार्चे में तो बंद था सब। ऐसा क्यों होता है हमेशा एंड में हमें तब खाना खाते हैं जब भूख बहुत ज्यादा लगती है। हां यार ऐसे ही है यार, ये सही है अपनी बस हो रही है, पर मुझे लगता नहीं जिस पर हमें मिलेगा भाई ऐसा, क्योंकि आते टाइम का भी हमें मिला कुछ भी किलोंग में, मतलब शायद किलोंग में मिल जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है भाई। चलो देखते हैं फिर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। क्या कर रहे हो तो? भाई इसमें उतार रहा हूँ गाड़ी अंदर ना स्नो में, थोड़ा सा चेक करने के लिए। अच्छा चलो करो जरा चेक करो। डाल दिए फाइनली जिसपा में हमको एक छोटा सा कैफ़े मिला है, जहाँ पे हम मैगी और ऑमलेट खाएंगे। बहुत तेज़ भूख लग रही है मतलब, और ठंड भी लग रही है। फिलहाल हमने अपनी थार को कर दिया है यहाँ पे खड़ा, और ये वो छोटा सा कैफ़े, मैगी और ऑमलेट बन रहा है फुल पावर। भैया ये सब बंद क्यों है यहाँ पे? सब कुछ खाने के लिए कोई जगह क्यों नहीं मिली यहाँ पे? अभी ऑफ चला नहीं यहाँ पे आज तक का, तो कोई टूरिस्ट ही नहीं है? टूरिस्ट तो आता है। अच्छा लेकिन यहाँ पे बैठते नहीं है कोई भी आजकल। अच्छा ये डारचा से आगे बंद है, खुला है? बंद है डारचा, वो दीपक ताल वगैरह सब बंद है? आज तो बंद है आपको, तो वहाँ पे भी कुछ खाने के लिए उधर भी कुछ नहीं मिलता है ना? वही लग रहा था मुझे, जब यहीं पे फ्लॉप है सीन तो आगे भी फ्लॉप ही होगा क्यों। बाकी भाई चिप्स खा लेते हैं भाई। यहाँ पे फुल पावर बर्फ गिरी है, कल पूरी रात बर्फ गिरी है, ये देखो पैर धस रहा है पूरा, ये देखो अच्छी खासी स्नो गिरी है। तो भाई अपना मैगी चाय वगैरह सब हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। तब तक मैं अपना स्टिकर लगा देता हूँ यहाँ पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल का स्टिकर है। तो भाई अच्छा बाहर से किधर से लगाना है स्टिकर, इधर से लगाता हूँ यार। तो भाई अपना स्टिकर लग गया इधर फाइनली जिसपा में। चला जाए भाई, चला जाए, निकला जाए उस्ताद जी। तो ये वो कैफे है जहाँ पे स्टिकर लगाया मैंने, और ये जिसपा है, तो जिसपा से पहले पड़ता है
मैगी चाय ऑमलेट के लिए, बढ़िया है। तो अभी क्या, धूप चली गई है और ठंड थोड़ी बढ़ गई है, ठंड मतलब काफ़ी ठंड हो गई है। नीचे जो पानी है ना, ये भी जम चुका है, ये पूरा जमा हुआ है, पानी जमा हुआ पूरा। चलो भाई चलते हैं, अपना निकलते हैं अपने सिसु की तरफ, सिसु की लॉन्ग। ओ भाई सुन भाई, ठंड ठंड बढ़ गई भाई, निकलो भाई, ठंड बढ़ गई है बहुत ज्यादा भाई, ठंड के भाई भी बढ़ेगी। अब किधर, व्हाट नेक्स्ट भाई, चलते हैं उधर ही। बाकी आप बताओ भाई, मैं तो बोलता हूँ जहाँ तक मन करे वहाँ तक ले चलो। चलो भाई चलते हैं। चढ़ा के देखता हूँ, ग्रिप मिल गई ना। पहुंचने वाले हैं भाई, अभी वापस जा रहे हैं, सिसु पहुंचने वाले हैं। सिसु 14 मिनट दिखा रहे हैं ना, सिसु का ही डाला है ना मैप पे, वो थोड़ा सा पहले है सिसु से ना, 4-5 किलोमीटर। अभी जाएंगे जाके फिर प्रॉपर्टी का देखते हैं। हाँ भाई प्रॉपर्टी ढूंढते हैं चल के सिसु के आसपास, क्योंकि कल हमें घर निकलना है, तो सिसु से हमारा घर पास पड़ेगा, बस अटल टनल और मनाली का क्रॉस करना है, तो मेरे ख्याल से वो 1 घंटा और एक्स्ट्रा मान लो। बाकी यार फुल पावर यहाँ पे स्नो हुई है, कल पूरा वाइट हुआ हुआ है सारा जगह, अभी देखा था थोड़ी देर पहले शीशे पे पानी जम गया, अभी भी जम जाएगा। तो वहाँ यहाँ पे इतनी ठंड है ना, अभी मैंने शीशे पे वाइपर चलाया तो वो जो पानी है ना वो जम ही गया। मैं दिखाता हूँ एक बार, वाइपर चलाता हूँ, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, अभी जो पानी है ना ये सब जम गया, ये देखो जम गया, ये जो बूंद है पानी की ये जम जाएंगी सारी, ये देखो भाई शीशा भी साफ नहीं हो रहा ढंग से, जम जा रहा है पानी ये जम गया पानी जम गया, माइनस में टेम्परेचर है भाई। भाई ये देखो ये पानी जम चुका है ना, ऐसे पानी ऐसे बह जाता है पूरा, ये देखो ये आपको लाइन दिख रही है, ये देखो ये जम गई है पूरी, और ये वाइपर में से भी जो पानी मारा था वो शीशे पे जम ही गया है, उसको साफ तो करानी है और जम गया है, ये बताओ यार इतनी ठंड, ये दिख रहा है लाइन, दिख रहा है जब पानी ठंडा होता है। भाई हम आ गए हैं सिसु से, पहले ये गांव पड़ता है मूर्ति जा करके, और यहाँ पर है फार्मर्स होम स्टे, और हमारा प्लान है भाई यहाँ पे स्टे करने का। भाई जगह देख रहे हो तुम भाई, कितनी गजब की जगह है, क्या बोलते हो इरफान भाई?
खतरनाक है, एक नंबर जगह है ना भाई। मतलब बंदा बिना 4x4 गाड़ी के तो हिम्मत भी नहीं कर सकता इधर आने की। फिर ये देखना कितनी आइसोलेटेड है यार ये जगह। फाइनली हमने यहाँ पे रूम ले लिया है, होम स्टे। बहुत ही सही अमेजिंग लोकेशन पर है यार, सामने पहाड़ है, अभी कुछ नहीं दिखेगा, सुबह दिखेगा, सुबह दिखाता हूँ। तो भाई सीन ऐसा है कि यहाँ के जो ओनर है ना, जो होम स्टे के, वो कह रहे हैं कि जो विंडशील्ड में जो पानी आता है ना टैंक से, जो वाटर टैंक होता है इंजन के अंदर, उसको खाली कर देने के लिए, क्योंकि वो रात को जम जाएगा और जमने की वजह से वो टैंक टूट सकता है, क्रैक हो सकता है, टाइट हो जाएगा इस वजह से। तो मैं पूरा पानी निकाल देता हूँ और सुबह फिर दोबारा से पानी भरेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो पानी निकालता हूँ भाई, हीटर चला लेता हूँ, ऐसे तो बैठे नहीं जाएगा यहाँ पे। पानी निकालना पड़ेगा सारा का सारा। ये जो पानी है ना, ये निकालना है जो विंडशील्ड का, जो इसका टैंक होता है ना, उसमें से। तो ये पानी खत्म ही हो गया। चलो भाई पानी खत्म ही हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, निकलते हैं यहाँ से। भाई भैया ने बताया -8 टेम्परेचर है, मतलब -8, बहुत ज्यादा ठंड है भाई, बहुत ज्यादा। भाई सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना, यहाँ पे ये जो बर्फ वो जाती है ना, ऐसे ग्लास बन जाती है, तो उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो, अगर ये स्नो एकदम फ्रेश होती तो उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अभी बहुत स्लिप कर रही है, थोड़ी पुरानी स्नो लग रही है, शायद 2-3 दिन पुरानी। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। तो ये अपना होम स्टे है, चलते हैं। और ये शेरू रखवाली कर रहा है अंदर, अंदर चल रहा तंदूर। और ये भाई मजे कर रहे हैं लगता है, फुल पावर, चाय भी हो गया। -11 भाई, भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम नितिन है भैया। नितिन जी, भाई नितिन है, ये इनका फार्मर होम स्टे जी। तो बहुत ही सही बना रखा है भाई, बहुत ठंड है भैया यहाँ पे। सही है, सही है। तो अभी भैया कितना टेम्परेचर हो रहा होगा यहाँ पे आपके हिसाब से, आप जो फील कर, जो आप फील कर सकते हो, मतलब इंटरनेट को साइड कर दो आपके साथ। -8-10 है, कुछ नहीं है। तो भाई -8-10 बाहर है और बिना तंदूर के गुजारा नहीं है यहाँ पे। नखरे दिखा रहा, ऊपर हवा चल रही है शायद इस वजह से, नीचे बंद हो सकता है। तो भाई एक तो हमारा जो है एकदम फैल गया है, इसने हाथ खड़े कर लिया है, ऊपर जाके सो गया है। और अभी नितिन भाई जो है खाना बनवा रहे हैं, डिनर दाल सब्जी मैंने बना ली है, दाल सब्जी बना ली है, चावल चपाती आंटी बनेंगी। हाँ सही है, सही है, सही है भाई। देखो खुद ही काम कर रहे हैं एकदम, तो बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे निखिल भाई क्या रिपोर्ट है? ये तुम नींद के सारे मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, तुम दोनों तो, जबकि तू और इरफान ज्यादा सोए हो, मैं फिर भी रात को काम कर रहा था ऑफिस का। सो गया भाई, वो कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ, इस पर जाके सो गया। चलो भाई अपने ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो गया है, अपना ऑफिस करते हैं और अपने तंदूर अपना सहारा बनेगा आज पूरी रात, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। तब तक तंदूर में आ गए हम, यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खाना भी लगने वाला है, खाना वाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। नितिन भाई ने खाना लगा दिया है, आपने क्या, नितिन भाई आपने क्या क्या बनाया? सब्जी, ब्रोकली की सब्जी, ब्रोकली दाल चावल, बाकी चिकन वगैरह आपको पता ही है। हाँ समझ गया।
घी ले लो। सही है भाई, घी भी दिया है गाय का घी, ये रखा इसको लगाओ चपाती में, फिर दाल या सब्जी के साथ। तो गाइस फाइनली हम अपने रूम में आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ठंड है यार। नीचे तो तंदूर चल रहा था लेकिन इस रूम में सिर्फ हीटर है, बस इस हीटर के सहारे सो रहे हैं। वो दोनों तो सो गए, ये सो गए दोनों, और ये भाई तीन तीन लेयर हैं देखो, एक ब्लैंकेट है, फिर रजाई, फिर ब्लैंकेट, उनकी भी शायद तीन तीन लेयर है। सही है भाई, अब सोते हैं, थोड़ा सा ऑफिस का काम करूँगा और सो जाऊँगा, और फिर अब मिलते हैं सुबह एक न्यू फ्रेश व्लॉग में। सुबह देखते हैं अगर नज़ारा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, सुबह जल्दी निकलना है, वैसे बहुत ठंड होगी सुबह यार, बहुत ठंड, -11 या 12 हो रहा है इस टाइम टेम्परेचर, -12 हो रहा है। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक बार बाहर का नजारा तो देखो यार भर जम गई है पूरी। ये देखो